तुम्हारी डॉग को देखे, एक ही जगह पे ये बैठी रहती है सब इकट्ठी होके। और ये है हमारा छोटा डॉग बेबी माशाल्लाह दोस्तों। अरे वाह माशाल्लाह दोस्तों, ये देखिए हमने दोबारा एग तो जो हमने बरामदा बनाया है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी छाना है माशाल्लाह। इसके जो पैरों के बाल हैं माशाल्लाह बहुत बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। इधर गर्मियां अभी काफ़ी आ चुकी हैं, हमारे परिंदे जो हैं ये देखें पानी के करीब बैठे रहते हैं अभी। इधर माशाल्लाह से तमाम परिंदों को जो है ताज़ा पानी और दाना वगैरह मैंने दे दिया है माशाल्लाह। और हमारी डॉग को देखें, एक ही जगह पे ये बैठी रहती हैं सब इकट्ठी होके। और ये है हमारा छोटा डॉग बेबी माशाल्लाह दोस्तों। आप देखें दो तीन दिन के अंदर माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है माशाल्लाह, फुल पर भी आ गए हैं और ये कल तक इंशाल्लाह नीचे भी आ जाएगा। बहुत ही फास्ट इनकी ग्रोथ होती है। जो पहले बेबीज आए थे ये देखें, ये अभी माशाल्लाह से फुल बड़ा हो गया है। तो जो हमने बरामदा बनाया है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी छाव है इसकी। ये देखें हमारी मुर्गियाँ और ये हमारी छोटू गैंग इधर घास खाती रहती है सारा दिन, और परिंदे भी माशाल्लाह से इनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती इधर। और इधर दोस्तों हमारी रानियों के दो एग्स हैं मेरे पास माशाल्लाह से। परसों वाले दिन दोस्तों हमने रेड मुर्गी को बिठाया था अंडों पे, तो ये अंडे उसके नीचे रख देते हैं, अल्लाह करेगा कि रानियों के बच्चे भी निकल आएंगे उनके नीचे। इधर बैठी हुई है हमारी रेड मुर्गी, उसके नीचे ये अंडे भी रख देते हैं, हमारी जो गैना फोल के अंडे हैं रानियों के। ये देखें ये बैठी हुई है, तो इसके नीचे ये अंडे भी रख देते हैं। ये दोस्तों इसके अंदर हम नहीं जा सकते, तो ये लकड़ी की मदद से इसको आगे कर देंगे, ये अंडे खुद ही नीचे कर लेती है अपने। पहुंच जा नहीं दोस्तों, ये एक अंडा पहुंच गया इसके करीब, अभी ये नीचे कर लेगी। और ये दूसरा अंडा इधर पड़ा हुआ है, इसको भी भेजते हैं। ये भी पहुंच गया है, ये चेक करें माशाल्लाह से नीचे कर लिए अंडे इसने अपने। एक एग ये पड़ा हुआ है, ये इसको देते हैं, ये भी परों के नीचे कर लेगी अभी। चलो भाई चलो चलो चलो, अपने कबूतरों को संभाल लेते हैं और कबूतरों का शौक आपको करवा देते हैं। अभी खड़ी हुई हमारी रानियां दोस्तों, एक एग इसका था और एक जो है इस वाइट का था। इधर हमारी शिराजी फीमेल देखे माशाल्लाह धूप सेक रही है दोस्तों। अभी चलते हैं अंदर, माशाल्लाह से शौक करें दोस्तों इस वाइट कबूतरी का बच्चा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर में बच्चा है दोस्तों, शौक करें माशाल्लाह। कलर देखें इसका बहुत ही खूबसूरत है। और इधर हमारे शिराजी बेबी माशाल्लाह, ये इनका बाप है माशाल्लाह। इसके जो पैरों के बाल हैं माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, मां बाप से भी ज़्यादा बड़े हैं दोस्तों। और इधर बड़े जोड़ा बैठा हुआ है पता नहीं। अरे वाह माशाल्लाह दोस्तों, ये देखिए इन्होंने दोबारा एग्स दे दिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खुशी की खबर मिली है आज तो। यार आप भी दोस्तों को बता दिया करो, हर टाइम मैं ही बताता हूँ दोस्तों को कि यार इनको ताज़ा पानी और दाना दे दिया है। देखें दोस्तों माशाल्लाह से खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। हेलो क्या कर रहे हो इधर? इधर माशाल्लाह से हमारी गायें जो हैं ये घास वगैरह खा रही हैं।
और जो हमारी बकरियां हैं माशाल्लाह, इनको जो अभी लंगर मिल रहा है माशाल्लाह वाफिर मकदार में, क्योंकि अभी ज़मीनें खाली हो गई हैं, तो इनको चरा के ले आते हैं माशाल्लाह, घुमा फिरा के इनकी वॉक भी अच्छी हो जाती है दोस्तों। और इनके पेट देखें फुल हैं, दाना पानी खा रही हैं माशाल्लाह, तो सेहत बहुत ही ज़बरदस्त हो गई अब इनकी। दोस्तों ये मैडम जो है अंडों से उठ ही नहीं रही, बाहर ही नहीं आती खाने पीने के लिए, तो इसको अंदर ही दाना पानी दे देता हूँ, जब इसका दिल होगा खा लेगी। फ्रेश पानी दे दिया है और दाना भी रख देता हूँ इधर। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।